देखो मैं 2-3 दिन का देख रहा सी, पर ये गल्लां बोलनियां कहनियां तां पैंदियां, पर भी जिन्हां दे परिवारां नाल, जिन्हां दे फैमिली, जिन्हां दे परिवारां नाल ये बीतियां होण, उन्हां नूं कदे भुलदियां नहीं गी। इस करके असी तां एक पासे जिन्हां दा सब कुछ चला गया, वो पंजाब खातर, अपने खातर नहीं, लोग चीफ मिनिस्ट्रियां जिहड़ियां वो लैके 20-20 साल अपने परिवारां च लैके बहिंदे आ ते अग्गे अपने परिवारां नूं होर दिंदे आ। पर इत्थे तां शहीदियां अनुसार बेअंत सिंह ने सिर्फ ते सिर्फ अमन शांति लई अपनी एक जिंदगी है जिहड़ी वो दांव ते लाती, ते उहनां दी वो जिंदगी चली गई। सानूं उस च कोई नहीं, सानूं दुख ये आ भी किवें 30,000 लोग जिहड़े शहीद हो गए, मारे गए पंजाब दे, ते 17 बंदे उहनां नाल जिहड़े शहीद हो गए, उहनां दी कोई गल नहीं करदा। चलो उदों बाद जिहड़े वो लोग जिन्हां दी तुसीं गल करदे हो, हवारा होया, राजवाणा होया, तारा होया, प्योरा होया, होर होए, साढ़े दोनों आपस में गल तो समझ आउंदी आ। जे कोई गल कदे कोई हुंदी होवे तां साढ़े आपस में दोनों दे गल कदे आपस में असीं करिए जां गल वो तो कोई जचदी आ। तुसीं विच तीजे धिर बन के इहदे विच की लभदे हो, जिहड़े इस गल नूं यार अज लोग नौकरियां चाहुंदे आ, लोग अपना रुजगार चाहुंदे आ, नौजवान उहनां लई पढ़न दे लई कोई गल नहीं करदा, उहनां लई कोई एजुकेशन देण दी गल नहीं, उहनां नूं बाहर भेजिया जावे सही ढंग नाल उहदी कोई गल नहीं करदा, उहनां नूं किवें इंस्टीट्यूट खोल के उहनां नूं IAS IPS PCS किवें उहनां नूं अफसर बनाया जावे उहदी सोच नहीं। सिर्फ बहुत मैं देखदा है घंटे दो दो घंटे दे डिबेट कर रहे हैं किस तरीके ना भी नौजवानों नूं चिंगारी लाइए, जेल की गल दिखा के, मरन मराउण की गल दिखा के, जिहड़ी कि किस तरीके ना शांत कीती वो लोगों ने जिहड़े अपनियां शहादतां दे गए भी किवें, पर नहीं फिर किवें सिख मरे जी, किवें नुकसान होया जी, वो दोनों पासे नुकसान होया। हरेक बंदा मनदा अज भी हाँ वो काला दौर सी, जां तां मैनूं तुसीं कह दो भी तुसीं नहीं ये गल कह रहे हो भी वो बहुत चंगा दौर सी, हरेक बंदा ये कहना भी वो काला दौर सी जी जो पंजाब लंघिया। अज जदों कतल हुंदे आ पंजाब तुसीं रोज़ देखदे हो, सहमदे आ ना सारे, एक दो कतल तां रोज़ हुण हो रहे ने, ते किवें डरदा है व्यापारी, डर रहे कोई फैक्ट्री लाउण नूं, कोई कम कार नूं, उरे कोई आउंदा नहीं पंजाब च भी पता नहीं कदों किसने लुट लैणा, ते उदों तां AK-47 ऐ चलदियां सी, पिंड पिंड जिहड़ा है वो टैररिस्ट बनिया होया सी, ते वो लाशां बिछा के चले जांदा सीगा, ते उदों पंजाब दा हाल देखो की सी। मैं तां बार बार तुहानूं कहिंदा ना, मैनूं भी कहिंदे यार तूं क्यों इस गल ते लग्गिया रहिंदा है, पर मैं क्यों लग्गिया रहिंदा, क्योंकि ये रोज़ प्लैन नवां बना के आउंदे। पर मैनूं एक गल दी बड़ी, मैं तुहानूं सच्ची गल दसां, इहनूं चाहे किवें ला लो, मैनूं इन्नी खुशी आ इस गल दी भी आ जिहड़ा अकाली दल, आ जिहड़ा अकाली दल आ ना, ये ते SGPC जिहड़ी इहनां दे प्रधान साहब, जो इहनां नाल होई आ, मैं कहना रहे रब दा नाम किसे नाल ना होई हो, जो ये चौधरी बने सी, थोनों किन्नी बार मैं कहा भी तुसी ये तमाशा तुसी अग च घ्यो ना पाओ, उदों भी तुसी इसे तरीके ना 12 साल पहला सियासत करने की कोशिश की, फांसी रुकाई, चलो कोई गल नहीं, फांसी नहीं होगी तो उम्र कैद हो जू उस गल, चलो ना मैं ये भी कह देना भी फांसी जे रुक के वो उम्र कैद च राष्ट्रपति फैसला कर देन, आपां उम्र कैद की गल कर दे, उम्र कैद ना फिर की होगा, फिर कड़ा बाहर आ जाना है, उम्र कैद च उत्थे सारी उम्र जेल च उन्होंने जिथे बैठे है बहना पऊगा, पर थोनों जिहड़ी उन्होंने मूँह ते चपेड़ थोड़े मारी आ भी तुसी जिहड़ी सियासत करते हो, जब तक वह भी अपने पिता जी के भोग ते संस्कार ते आए सी, उत्थे भी मैं अकालियां अकालियां नूं वोट पाऊ, उन्होंने अपनी जिहड़ी मूँह बोली भैण ने उन्होंने भी खड़ा कराता इलैक्शन च, ते हुण दसो पत्तो की करोंगे, हुण 5 दिन थोड़े कोल रह गए आ, देखिया ना माड़े काम के माड़े नतीजे ये होंगे आ, माड़े काम के माड़े नतीजे, उत्ते परमात्मा भी तो है, वो जिन्हां नूं मारिया है
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਥੱਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੜ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਨੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਅੱਗ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੜਚਣਾ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੜਾਏ ਨੇ, 30,000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਏ ਕਿੰਨੀ ਚੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, 2-4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਿਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2008 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੂੰ ਸੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਠੜੀ 'ਚ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾਈਏ, ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ
मीडिया से डिबेट करने वाले तुसी ये जख्म ना करोदया करो, क्योंकि थोड़ू ये गल कदे तुसी तुसी पिंडे ते हंडाई नहीं कि तुसी किवें ये गल्लां करदे हो, कल्ला मारन लग जाने हो। खालड़ा साहब ने आ लिस्ट दित्ती सी, ठीक है, उसी गए मैनू लियाओ किहड़ी लिस्ट आ दिखाओ, कित्थे आ लिस्ट, किहदे कोल आ वी इन्ने मुंडे मारे ने जे किसी ने, लियाओ लिस्ट, केस करो कोर्ट च, जिन्हें जिन्हें मारे आ नजायज़ हो कोर्ट च केस करो। वे तुसी क्यों गल्लां करदे ने सारा दिन पिंडां च प्रचार करके, बाहरले चैनलों पर जाके प्रचार लिया, वो लिस्ट कितने। इस करके ये ना कम करो। कनेडा अमेरिका च इस वेले लोग दुनिया उत्थे तुसी भड़का दिंदे हो रोज, उत्थे मंदिरां ते गुरुद्वारां सामने मूहरे लड़ाई हो चली, सिर्फ तुसी इत्थे अग लाउंदे हो। इस करके ना खेलीए आपां इस काम नाल, ना खेलीए नवीं पनीरी मसां जिहड़े बच्चे आ उह कम्मां चों निकल के अगे, पर नहीं, पर तुसी हटना, क्योंकि थोनू जिन्ने भी तुसी लोग हो चाहे वह मीडिया ना जुड़े हुए ने, उस वेले दे उस वेले भी उन्होंने हक च लिखते सी, जिहड़े अज भी वह सहकदे आ बहुत, ते बहुत लोग ने जिहड़े बुद्धिजीवी अपने आप नूं कहाउंदे आ उस वेले ये कम्मां च इनवॉल्व सी, चिट्ठियां लिखते सी ना बहुत वधिया वधिया पंजाबी च हरेक दे घरे, क्योंकि उदों धमकी फोन ते नहीं दित्ती जांदी, उदों चिट्ठी लिख के दित्ती जांदी वी पहुंचा दे इन्ने पैसे, उह तुसीं हजे भी हटदे नहीं गे उह गल्लां नूं, क्योंकि थोड़े घरे वह चंग्यारी लगी नहीं। इस करके ये खेड ना खेडिया करो, ना खेडिया करो। तुसी तां बड़ा कहिंदे सी असीं इहनां दी डॉक्यूमेंट्री बनाउणी आ, धामी साहब बनवाती थोड़ी डॉक्यूमेंट्री, तुसी कहिंदे असीं अतवादियां दी जिन्ने भी ने डॉक्यूमेंट्रियां बना के चैनलों ते दवांगे ते इहदी वीडियो बना के इहदी मशहूरी ऐड करांगे। आ पहलां जिहड़ी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई आ राजवाणे ने, वह पहलां दिओ ना थोड़ा मोर बनाया। मैं गल्लां कई बार, क्योंकि तुसी जख्म खरीद दे हो साढ़े, एक पासे अमन शांति च अज तुसी फिर रहे हो, वो सरदार बेअंत सिंह ते उन्होंने साथियों की लियांदी आ, अज जे तुसी राजभाग आनंद लै रहे हो इन्हों की दित्ती हुई है, चाहे कोई मुख्यमंत्री आ, चाहे कोई मंत्री आ, चाहे थोड़े बादल टब्बर आ, तां फिर रहे तुसी उरे। इन्नियां गल्लां, अगला जवाब जिदन तुसी तैयार होवोंगे, क्योंकि मैं पहला कदे कहिंदा नहीं, जदों तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ की भी सम्मेलन कराने लुधियाना, एक करा अमृतसर, श्री अमृतसर साहब, एक करा चंडीगढ़, एक करा दिल्ली, आ करा लियो सम्मेलन हुण थोड़े। इस करके उन्हां दी अपनी लड़ाई है हीरो बनन दी, क्योंकि एक ग्रुप राजवाणा है। चलो जे तुसी इन्ने ही हो, तुसी दो अकाल तख्त साहब ते खड़ के दो वह उन्होंने जथेदार बनाया ना, बनाओ अकाल तख्त साहब का जथेदार राजवाणे, हवारे नूं बना दो एस जी पीसी का प्रधान बनाओ, तुसीं उस गल का मैनूं जवाब दिओ, ते बाकी तख्तां दे भी किसी नूं भ्योरे नूं ला दो, किसी नूं तारे नूं ला दो, किसी का भुल्लर साहब नूं ला दो, जे वह अपने आइकॉन ने, जे अपने वह सिखां दे, फिर उन्होंने देन दो ना सेध। तुसीं की करदे हो, तुसीं ये कुर्सियां ते क्यों बैठे हो, जदों तुसीं आप ये कहने हो सारे भी वह साढ़े बहुत बड़े हीरे आ कौम दे, फिर कौम दे हीरेवां नूं तुसीं क्यों नहीं बिठाउंदे जगह ते। बई वह कौम दे हीरे देखिए कि इहो जिहा लोकां नूं संदेश दिंदे आ, कि इहो जी सिक्खी नूं गाइडेंस दिंदे आ, तुसीं जगह छड्डो। देखदे कोई भी जथेदार हरप्रीत सिंह ने, वह ने वह फैसला कर लैण, एक जगह जथेदार उहनां नूं ला दो, एक जगह जिहड़े अकाल तख्त साहब दे आ उह छड्ड के कहण भी आओ जी बैठो राजवाणा साहब, उहदे नाल शायद उन्हां नूं फायदा भी हो जाए। इस करके दूजिआं नूं छेड़ के आप गद्दियां लैणा चाहुंदे, उह हुण मिलणीआं नहीं तुहानूं, नहीं वड़ होणा पिंडां च थोतों, नहीं शहरां च वड़ होणा थोतों। इह जिहड़ा भी इह शरारत करन दी कोशिश करूँ, इह पंजाब च कदे भी हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई दी भावना जिहड़ा प्यार उह नहीं टुटणा। थोनू दुबारा जदों थोड़े राज सत्ता जांदी आ लोकां दी, दुबारा छेड़दे हो उह गल्लां, दुबारा अग लाउण दी कोशिश करदे हो। ते बाकी आ चिट्ठी आ जिहड़ी, इहनूं चंगी तरह जिहड़े तुहाडा ओलंपिक मैडल मिलिआ है तुहानूं राजवाणे नूं तुसीं हीरो बनाउण दा, उह मैडल अपने गल च पा के लोकां नूं दिखाओ। धन्नवाद।